Right, so hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And once again we are into our technical terms, and today's our technical term is active matrix. Right, active matrix is a technology used in LCD display. जो active matrix है ये technology कहाँ use की जाती है? LCD जो display होता है उसके अंदर, such as laptop screens and flat screen monitor. जो flat screen monitors होते हैं, laptop screens होते हैं, उसके अंदर ये technology use की जाती है. It is used मैट्रिक्स ऑफ थिन फिल्म ट्रांसिस्टर्स. ठीक है, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर्स होते हैं, वो रहता है ना. एंड कैपेसिटर्स टू कंट्रोल द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्प्ले. ठीक है, और कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं जो उसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस करना है उसके लिए. द ब्राइटनेस ऑफ ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय मॉडिफाइंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर. ठीक है, जो उसके ऊपर जो हर एक पिक्सल, जो हर एक डॉट रिफ्लेक्ट होता है, वो उसके अंदर जो कैपेसिटर रहते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है. राइट, उसकी कंट्रोल से किया जाता है. ईच पिक्सल्स कलर इज कंट्रोल्ड बाय अलर्टिंग द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर दैट एमिट रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट. ठीक है, जो रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स एमिट करते हैं उसके हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर को कंट्रोल करके जो डिस्प्ले है उसे कंट्रोल किया जाता है. द टर्म एक्टिव मैट्रिक्स रेफर्स टू द एक्टिव नेचर ऑफ द कैपेसिटर टू द डिस्प्ले. ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो कैपेसिटर है वो कितना एक्टिवली काम करता है डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, इस हिसाब से उसका नाम रखा गया. अनलाइक द पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, एक पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले भी होता है विच मस्ट चार्ज फुल रोज ऑफ वायर्स टू अल्टर इंडिविजुअल पिक्सल्स. ठीक है, बहुत सारे उसमें वायर्स लगाने पड़ते हैं इंडिविजुअल पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए. एंड एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले कैन कंट्रोल ईच पिक्सल डायरेक्टली, लेकिन एक्टिव मैट्रिक्स पिक्सल्स जो होता है वो डायरेक्टली उस पिक्सल्स को कंट्रोल कर सकता है. दिस रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंटली फास्टर रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, इससे क्या होता है, जो फास्ट है, जो डिस्प्ले का क्वालिटी है फास्ट इंप्रूव हो जाता है. मीनिंग द पिक्सल्स कैन चेंज स्टेट मच मोर रैपिडली. ठीक है, जो पिक्सल्स है उसका जो स्टेटस है वो काफ़ी फास्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. इन पर्टिकुलर टर्म एन एक्टिव मैट्रिक्स मॉनिटर कैन डिस्प्ले मोशन. ठीक है, अब इसमें आप पर्टिकुलरली ये बोल सकते हो कि एक्टिव मैट्रिक्स जो होता है वो पर्टिकुलरली आपके डिस्प्ले के मोशन को कंट्रोल करता है. राइट, समझ में आया. अ फास्ट मूविंग इमेज और मोर क्लियरली देन अ पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले कैन. ठीक है, एक फास्ट मूविंग इमेज को कंट्रोल करता है जो एक पैसिव मैट्रिक्स कर सकता है उससे काफ़ी बेहतर करता है. द फास्ट स्विचेस ऑफ TFTs आल्सो प्रिवेंट्स द गोस्टिंग ऑफ द कर्सर दैट इज कॉमन इन ऑन पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स. ठीक है, पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स में आपको कैसे होता है, गोस्टिंग होता है, भूत जैसा दिखाई देता है ना. एक जैसे आप माउस हिलाते हो तो वो जो कर्सर है वो ऐसे धीरे 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 दो तीन उसका इमेजेस आ जाता है, तो वो नहीं होता है एक्टिव मैट्रिक्स इमेजेस में. राइट, समझ में आया. सिंस एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ ईच पिक्सल. राइट, हर एक पिक्सल का आपको इंडिविजुअल कंट्रोल मिलता है. एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स टिपिकली एग्जिबिट मोर इवन ब्राइटनेस एंड कलर अक्रॉस द स्क्रीन देन पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले. जो उसका ब्राइटनेस होता है, जो उसका कलर्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है पैसिव मैट्रिक्स से. ठीक है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ द एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर मॉनिटर्स लैपटॉप स्क्रीन्स एंड LCD टेलीविजन्स यूज एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स. ठीक है, इस सारे बेनिफिट्स की वजह से जो ज़्यादातर राइट आज LCD मॉनिटर्स है या TVs बन रहे हैं या लैपटॉप्स बन रहे हैं, उसके सारी जो चीज़ें हैं वो एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रही है. आई बात समझ में? आई होप कि एक्टिव मैट्रिक्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा. इसी तरीके से नई नई जो टेक्नोलॉजीज आते जा रही है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपका ज्ञान बढ़ाता रहूँगा. ऑल द बेस्ट.